मैंने निशानदेही की थी तहारत के बाब में होने वाली बहुत सारी ग़लतियों में से एक ग़लती ये भी है कि इंसान आवाए वज़ू को तीन मरतबा से ज़्यादा धोए कुछ मुसलमान ये समझते हैं कि वजू इबादत है आजाए वजू को जितनी मरतबा धोया जाता है उतना उसको स्वाब मिलेगा ये सोच ये फ़िक्र शैतान की तरफ से इसलिए कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आजाए को तीन मरतबा धोने का हुक्म दिया ज़्यादा से ज़्यादा और उससे ज़्यादा अगर कोई आदमी आदाय उदू को धोता है और यह ख्याल करता है तो उसके ताल्लुक़ से नबी करीम सल्ला वम ने फ़रमाया फ़कत असा वत वालमा कि उसने बहुत बुरा काम किया हंस तजावज़ किया म किया और करने का मुकाम है कि आदाय उर्दू को तीन से ज़्यादा मरतबा धोना कोई कमाल की चीज़ नहीं कोई नेकी नहीं बल्कि ये तो बुराई है ये हद से ज्यादा तजावज़ करना है यह मुसलमानों को चाहिए कि आदाय उर्क को ज्यादा से ज्यादा तीन मरतबा धोएं तीन से ज्यादा मरतबा आदाय उर् को हरगिज़ न धोएँ इसलिए कि इससे बसावकात नेकी के बजाय इंसान गुनाह में दाखिल हो जाएगा मुसलमानों से जो गलतियां वाक़ होती हैं तहारत के बाब में कि बहुत सारे मुसलमान गसल से पहले वजू कर लिया वज़ू से फारग होने के बाद गसल कर लिया वजू करता है वजू वैसे करेगा जैसे अल्लाह के नबी सलाम ने हुकम दिया गसल से पहले अपने हाथ धो सबसे पहले शर्मगा को धोना उसके बाद अपने दोनों हाथों को धोना उसके बाद उदू करना अलबत् सर का मसाह नहीं करेगा और आखिर तक अपने पाओं को नहीं धोएगा गसल कर लेगा गुसुल कर लिया गसल से फारि होने के बाद बसा अवकात इंसान बरहाना होकर गसल करता है अगरचे शरीय में ये जायज़ है लेकिन सतर के साथ गसल करना ज़्यादा अफजल है ज्यादा बेहतर है तो जब बरहना होकर गसल करता है कपड़े पहनने का मामला आता है तो जब लिबास पहनने लगता है तो बसा अवकात उसका हाथ शहवत के साथ उसकी शरमगा को छू जाता है अगर शहवत के साथ उसकी शरमगा को हाथ लग जाता है गसल से फारि होने के बाद तो याद रखना चाहिए कि शरमगा को शहवत के साथ अगर हाथ लग जाए तो उससे उसका वजू टूट जाता है उसका वजू खत्म हो जाता है और बाज़ बाद के नज़दीक बगैर शहवत के साथ भी अगर वो शर्मगा को हाथ लगा लेता है तो उसकी वजह से उसका वज़ू टूट जाता है उसके बाद अगर वो हाथ लग गया कपड़ा पहन लिया तो अगर वो नमाज अदा करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो दोबारा वजू करे उसी वजू के साथ वो नमाज अदा नहीं कर सकता नमाज नहीं पढ़ सकता लिहाजा शरीयत की ये मामूली और छोटी बातें महसूस होती हैं लेकिन बड़ी अहम हैं इसलिए कि ये चीज़ें हमारी इबादतों से जुड़ी हुई हैं इबादतों का कमाल हैं और इबादतों की सेहत इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को शरीत ने जो रवाबित बयान किए उसवात की, की पाबंदी करने की तोफ़ी क़दा फ़रमाए और अल्लाह ताली ईमान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तोफ़ी अता फरमाए आमीन व आखरद अवाना रब्बिल आलमीन